साजिद खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हमशक्ल को बॉक्स ऑफिस पर तो ठीक ठाक रिस्पांस मिल ही गई थी, मगर उन्हें अपने फिल्म के एक्टर से कुछ खास बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला है। कुछ समय पहले बिपाशा ने खुलकर ये कहा था कि वो अपने रोल के एंड रिजल्ट से ना खुश है, इसलिए वो इस फिल्म के प्रमोशन से भी मिसिंग रही। और तो और, फिल्म की दूसरी हीरोइन ईशा गुप्ता ने तो यहाँ तक कह डाला कि साजिद अपनी फिल्मों में हीरोइन का इस्तेमाल सिर्फ ग्लैमर लाने के लिए करते हैं। पर सबसे शॉकिंग बात तो अब सामने आई है, जब सैफ भी इस फिल्म के अगेंस्ट आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। सैफ ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो हमशक्ल में अपने रोल को लेकर पहले से ही अनकंफर्टेबल थे, मगर उन्होंने साजिद पे भरोसा किया और अपने आप को उनके हवाले कर दिया। और सैफू के मुताबिक ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, सैफ ने अब ये वादा किया है कि वो ऐसी टाइप की फिल्म दोबारा कभी साइन नहीं करेंगे। थैंक गॉड, सैफ को लेट ही सही पर अपनी गलती रियलाइज तो हुई। बट साजिद, अब हम आपके लिए थोड़े कंसर्न्ड हैं, क्योंकि आपका जो हमशक्ल्स पार्ट 2 बनाने का आइडिया है वो पूरा कैसे होगा? क्या आप हमशक्ल्स के सीक्वल को देखना चाहते हैं? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। हाय, मैं हूँ सनी लियोनी एंड आप देख रहे हो बॉलीवुड मसाला।